मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल संजना गुप्ता। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा धो चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको इंस्टेंट इडली कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँ कि मेरा स्टाइल क्या है बनाने का। तो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे कैसे क्या सब कुछ करना है। और यहाँ मेरा बेबी खेल रहा है। कृष्णा कृष्णा क्रियांश क्रियांश, अब ये खेलने में अपनी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे इंस्टेंट इडली में क्या क्या डालती हूँ, कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देन हम इसमें थोड़ा सा काजू, एंड थोड़ी सी किशमिश, इसको थोड़ा सा शॉर्टे करेंगे, हल्का सा रेड करना है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना, थोड़ा सा शॉर्टे करना है। ये हमारी काजू किशमिश हल्की ब्राउन हो गई है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी में थोड़ी सी चना दाल एंड थोड़ा मूंग की दाल, तो थोड़ा सा सॉटे करेंगे। गैस आपको गैस का जो फ्लेम है धीमा ही रखना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं रखना है, हल्का सा मिक्स करना है। फिर इसमें हम राई डालेंगे, 2 टेबलस्पून राई, एंड इसमें हम 6-7 पत्ते करी लीव्स के डालेंगे, एंड 1 हरी मिर्च, एंड थोड़ा सा अदरक के टुकड़े छोटे छोटे आपको काट लेने, इसको हल्का सा फ्राई करना, बहुत हल्का सा करना, ज़्यादा नहीं करना। अब ये थोड़ा सॉटे हो गया है, अब इसमें हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे एंड इसको हमें ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। फॉर 10 से 15 मिनट्स तक इसको हल्का सा थोड़ा सा ये कुरकुरापन थोड़ा सा आ जाए सूजी में, तो ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। इसको हल्का सा मीडियम फ्लेम में ही आपको इसको थोड़ा हल्का हल्का चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। ये देखिए सूजी हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी रोस्ट हो गई है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हलवे की तरह, बस हल्का सा सॉटे करना है। और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम 10 से 15 मिनट का हल्का सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। A few moments later. हमारी सूजी ठंडी हो गई है, आप इसको देखो कितने अच्छे से ये कुरकुरी हो गई है। अब इसको हम किसी पैन में निकालेंगे। हमने पैन में निकाल ली है और ये एकदम ठंडा हो चुका है। जितना हमने सूजी 1 कप लिया था, मुझे 1/2 कप इसमें दही ऐड करना है एंड रेस्ट पानी डालना है इसमें। तो मैं पहले इसको इसके साथ मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। दही मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करना है, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कोशिश करना है कि तुम ज़रा ज़रा सा पानी, ये कुछ ऐसा मिक्स होके हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत और है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। तो हमारा बैटर रेडी है, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की,
बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड हो गया इसमें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक कर 20 मिनट्स तक इसको रख देंगे। 20 मिनट्स बाद ये थोड़ा फूल, 20 मिनट्स बाद इसको हम इडली के स्टैंड में डालेंगे। तब तक इसको इसको ढक देते हैं, 20 मिनट्स बाद हम इसको ओपन करेंगे। 15 मिनट्स लेटर, 20 मिनट हो गए हैं इस बैटर को। अब इसको हम खोलते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट सॉल्ट एंड थोड़ा सा पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ये रेडी है प्लेट पे जाने के लिए, एकदम रेडी है। अब हम यहाँ पे ऑयलिंग कर लेंगे इडली के प्लेट पे, ऐसा करके आपको इसको ऑयलिंग करना है। 3 प्लेट्स में हम ऑयलिंग कर लेंगे, फिर हम इसमें इडली का बैटर डालेंगे। पीछे मेरा बेबी खेल रहा है तो बस उसी की आवाज़ आ रही है, वो खिलौने इधर से उधर गिरा रहा है। अब हम इसको इसमें से ऐड कर देंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, इडली का बैटर डालने से पहले आपने जो काजू और किशमिश फ्राई किया था, आप उसको पहले प्लेट में एक एक करके इसमें ऐसे रख लीजिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक एक ही रखना है, आप दो दो तीन तीन काजू भी रख सकते हो। अब इसमें हम बैटर को ऐड करेंगे। स्टैंड भर गया है, मैंने सारे में डाल दिया है। अब हम इसको इडली के कुकर में डालेंगे। मेरे पास कुकर है, आपके पास कुछ लोगों के पास स्टैंड भी होता है, तो मैं कुकर में इसको डाल रही हूँ। और आफ्टर 15 मिनट्स इसको हम ओपन करेंगे। अब हम कुकर को क्लोज कर देंगे। 15 मिनट्स लेटर, ये देखिए मैंने इडली उतार ली है, बहुत अच्छे से फूली हुई इडली निकली है, बहुत स्पॉन्जी है देखने में। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी इडली बहुत अच्छे से निकल गई है, जो मैंने काजू और किशमिश डाला था वो भी इसमें आ रहा है, और बहुत ही स्पॉन्जी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने काफ़ी टेस्ट कर लिया है, बहुत टेस्टी बनी है, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अब मैं दूसरा बैटर भी डाल देती हूँ इसमें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जो बचा हुआ इडली का बैटर था वो भी मैंने इसमें स्टैंड में डाल दिया है। अब मैं इसको कुकर पे रख दूँगी, फिर इसको हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। 15 मिनट्स लेटर, हमारी इडली कितनी फूली हुई है, कितने अच्छे से फूली हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी इंस्टेंट रवा इडली रेडी है। इसको आप नारियल की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ, या सॉसेस के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो इसको चाय के साथ खाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम होती है और बहुत हेल्दी भी होती है, जल्दी डाइजेस्टिव भी होती है। और आप भी अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और हमें भी कमेंट करके बताइए कैसा बना था। और सो फ्रेंड्स, मेरी इंस्टेंट रवा इडली आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।